कहानी इस तरह कंटिन्यू हुई कि मैं बॉयज़ को देखा कि म्यूज़िक रूम में बैठे हुए और बैठ के जैमिंग कर रहे हैं अपनी, तो सोचा बीच में क्यों ना जाऊं और जाके इनसे गप लगाऊं कि आगे क्या सीन्स हैं, तो देखते हैं फिर आगे इन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा हुमायूं। ये हमारी आज सुबह सुबह आ गई हैं, पहली वेंडर हैं, पहला स्टॉल इन्होंने मतलब अपना सेट करना शुरू किया है। तो हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें फातिमा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग और आपका स्टॉल किस चीज़ के बारे में? वेल, मेरा स्टॉल है ब्राउनीज के बारे में। ओहो, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की ब्राउनीज हैं, एक हमारे पास वॉलनट और एक प्लेन है लेकिन उसके ऊपर स्प्रिंकल्स हैं। एक निकाल के दिखाएं तो सही। Hey, you never know. Baba. Wow. 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 They look really delicious. Yummy. And colorful ones. अब बस चेक करो कितना बड़ा ख्याली पुलाव बनाने लगे हम अभी। इसमें बंद करके एक बास्केट होगी यहाँ पे, उसके अंदर रख दूंगे और जब भी कोई आएगा ब्रेक हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के 2x2 की बास्केट होगी उसके अंदर आएगा। कमाल है, बड़ी गॉड देयर यार। अंडे अंडे आटे में मतलब क्या, ये क्या हिसाब चल रहा है इधर? अंडे खाने के लिए होते हैं, आटे के साथ डायरेक्ट थोड़ी मिक्स होते हैं, रोटी भी नहीं बनाई, क्या सीन है? यू सी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। इनको खाना बनाना नहीं आता तो यहाँ पे इनका स्टॉल जो है वो बेसिकली खुद भी खाना बनाना सीख रही होंगी और यूट्यूब वीडियो के साथ साथ बाकियों को भी सिखाएंगी। यस एग्जैक्टली। नो, इन ऑल ऑनेस्टी फादर, टेल एवरीबॉडी अबाउट इट। इट्स कॉल्ड होलो एग। इसके अंदर एक खाली एक्शेल है। मेरी एक टेक्निक है, देखना। अंडा खाली ये ना हो। नहीं, I'm sure गलत ही है। Hey, how are you? देखो वेंडर 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 को तो पता होता है ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपको देखते हैं कुछ देर बाद बाकी सॉल्व के साथ। तुम कौन सा शौक पूरा कर रही हो? गया 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 गया। सीन कुछ इस तरह का है कि यार मेरा ये स्टॉल था एक ना एक कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का, और तो ये जो है ना मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है अच्छा, इसके साथ मिसहैप हुआ है जिसकी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा स्टॉल शेयर करने का मौका दे दिया। अब ये क्या हुआ ये खुद आपको, मैं भी आऊँ। ये सनान भाई भी है मेरे साथ जो है स्टॉल में बॉल्ड। भाई सनान अंडरस्कोर नासिर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फॉलो कर लो यार, ये प्रमोशन कर रहे हैं अपनी बैठ के। अंशरा बताओ क्या हुआ? बेसिकली हम लोगों ने स्टॉल लगाना था जिसमें हमारे पास ड्रिंक्स थी, चाय थी, बारबेक्यू था। चुप करो, मुझे बताने दो। तो हमारा बारबेक्यू से नहीं लगा क्योंकि हमारे बारबेक्यू वाले की माँ मर चुकी है और अब हम लोग स्टॉल नहीं लगा सकते।
यार मुझे लग रहा है कुछ। आप ये तो बताओ आप उसकी जगह कर क्या रहे हो, जरा दिखाओ तो सही था। प्लीज सुनना, स्टॉल होते जा रहे हो क्या कर रहे हो? उसको बेच कह रहे हैं। हम बेच कह रहे हैं भाई, ये देखो ये पेप्सी है, ये ओरिजिनल है, व्हाई नॉट मेरी जान, ये सर पानी H2O ब्रो H2O। अच्छा इनकी मजे की बात ये है कि ये लोग वाहिद वो लोग हैं जो सारे स्टॉल में जो पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, मतलब पानी बहुत जरूरी है क्योंकि आज गर्मी है ज्यादा। ये झूठ बोल रही है, अपनी प्रमोशन कर रही है पानी, कसम से गर्मी है, सिर्फ आप इससे ही इसको आज गर्मी है, प्लीज आए हमसे पानी खरीदिए। नहीं वहाँ से आ रहे हैं सरदानी जलील, अभी अभी पीछे से कस्टमर आ रहे हैं, यकीन करें मुझे खुद नहीं समझ आ रही पीछे कस्टमर आ रहे हैं, वो पानी भी नहीं आ रहे हाथ में उनका खाने, तो उनके साथ जरा डील करने के फिर उसके बाद। और ये जिसका चैनल है नहीं तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं दो मेन अफराद के साथ जिन्होंने ये सारा MGW का जो सीन है वो मैनेज किया है, हर चीज़ सेटअप की है, अनथक मेहनत की है, स्पॉन्सर लेके आए हैं, सारा कुछ सेटअप किया है। तो आज मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन इनसे कराता हूँ कि इन्होंने ये सारा कुछ कैसे किया। मेरा नाम है रियान शेख और मैं MGW का प्रेसिडेंट। माशाल्लाह। मेरा नाम साइमन फारूक है और मैं स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट। तो आप लोग बताओ यार ये इसके पीछे क्या राज किया, आप लोगों ने सारा कुछ कैसे सेटअप किया? यार इसके पीछे काफ़ी मुश्किल थी, स्पॉन्सर्स लेकर आना और फिर सारा सेटअप करना, लोगों को स्टॉल्स के लिए करना, चीज़ें करना, काफ़ी कुछ किया, काफ़ी मेहनत भी है, इसने भी किया, आपने भी किया, हम सब ने टीम वर्क के हिसाब से किया और फिर हो गया जिस तरह हमारी मेहनत थी। इज द डायरेक्टर तो उसके बाद वी हैव टू बी विद हिम, आई हैव टू बी विद हिम स्पेसिफिकली। तो हमने इसको यू नो हमने दो हफ्ते में मिले थे, हमने कहा यार इस यही सीन है इसी में ख़त्म करेंगे सर। तो और ये अकेले मुझसे होना नहीं था, कसम से यार साथ दिया, सबने साथ दिया तब जाके हुआ है, इसका कोई काम बनता नहीं था, लेकिन इसने फिर भी मुझे इसने कहा कि यार नहीं काउंसिल है हम करेंगे करेंगे। इसके दूसरे भी हैं बाकी वो कोई नजर नहीं आए, लेकिन चलो डिपार्टमेंट करने वाले भाई हम काउंसिल में जा रही थे भाई, ये लोग बॉयज थे, मैंने इनमें एनर्जी देखी, मैंने इनमें जज्बा देखा, मैंने कहा अब इनका मौका बनता है, ठीक है हमारी बारी आई थी हम चले गए, इनका टाइम आया और अल्हम्दुलिल्लाह पहला इवेंट है और बहुत अच्छा मैनेज किया और आप सारा कुछ देख रहे हैं। तो एंड पे मेरे ख्याल में ये कहना चाहूँगा कि टीम वर्क जो है ना वो हर चीज़ पे भाई सबसे ऊपर नंबर ले जाती है। तो बाकी आतिफ असलम का भी कॉन्सर्ट आ रहा है उस पर शायद, मतलब मैं ना आऊँ तो कुछ भी नहीं आ रहे यार, फैमिली इशू नहीं यार, बहुत मजे का सीन है, बहुत कमाल है। थैंक यू।